गला फुसलाकर हाथ चालाकी से एटीएम बदलकर पैसे निकालने का फिर से एक और बार मामला सामने आया है। यह घटना खापरखेड़ा के एसबीआई बैंक में लगे एटीएम मशीन कैबिन में शनिवार को शाम घटित हुई। पीड़ित व्यक्ति का नाम रमेश लक्ष्मण निखाड़े है। शनिवार की शाम को 5 बजे खापरखेड़ा के शिबा मार्केट की घटना है। शिबा मार्केट में एसबीआई की बैंक है और वही बैंक को लगकर एसबीआई का एटीएम है। एटीएम से रमेश ने 5,000 रुपए निकालने की कोशिश की, लेकिन पैसे नहीं निकले। उसी समय वह आरोपी 22 से 25 वर्षीय युवक पहुंचा। आपके पैसे निकालने की प्रोसेस गलत है, यह कहते हुए उनसे एटीएम लेकर फिर से पैसे निकालने की प्रोसेस पूरी की और रमेश को 5,000 रुपए दिए। रमेश पैसे गिन ही रहे थे, उसी दरमियान आरोपी ने रमेश का एटीएम बदल दिया। बदल कर दिए हुए एटीएम में गिरधारी लाल योगी नाम है। अब पुलिस इस एटीएम धारक का पता ढूंढने वाली है। आरोपी ने रमेश के खाते से 1,10,000 रुपए निकाल दिए। खापरखेड़ा की यह एसबीआई बैंक से पिछले 5 सालों से एटीएम फ्रॉड, हाथ चालाकी से पैसे की हेराफेरी, लोन केसेस के मामले में कई घटनाओं के चलते सुर्खियों में है। इतना सब होने के बावजूद बैंक प्रबंधक ने लोगों के पैसों की सुरक्षितता को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए। लोगों के अनुसार इस बैंक में सीसीटीवी ठीक तरह से लगाए नहीं गए हैं। एटीएम सेंटर में एक मशीन की जगह 4 से 5 मशीन लगाई गई है। सबसे बड़ी बात, कम जगह में बैंक का काम हो रहा है। लोगों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोराडी एसबीआई बैंक होना चाहिए। वहां 24 घंटे बंदूकधारी सुरक्षा गार्ड होता है। खातेधारकों की सुविधा अनुसार वह काउंटर भी अधिक है तथा वृद्ध खातेधारकों का विशेष ध्यान रखा जाता है, जबकि खापरखेड़ा के इस एसबीआई बैंक में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़कर 15 फीट ऊपर जाना पड़ता है। मैं 5:15 ला शिबा एटीएम मध्ये आलो। एटीएम मशीन मध्ये एटीएम टाकलं आणि तिथून मी 5,000 रुपये काढले, पण ते पैसे न आल्यामुळे मला पुन्हा एटीएम मशीन मध्ये टाकावलं। त्याच वेळेस माझ्या बाजूला एक अनोळखी व्यक्ती होता, तर त्यांनी मला म्हटलं, काका म्हणे तुम्ही एटीएम सिस्टम चुकलं, पुन्हा एटीएममध्ये एटीएम टाका। मी पुन्हा एटीएम टाकलं, मी आपला पिन दाबला, 5,000 रुपये काढले। त्याच्यानंतर त्या अनोळखी व्यक्तीनं एटीएम मशीनमधून एटीएम काढून माझ्या हातात दिलं। त्याच्या 15 मिनिटानंतर मला मेसेज आले की माझे पैसे एटीएममधून फ्रॉड झाले, 10,000, 10,000 आणि 5,000 आणि 73,500 रुपये, असे एकूण 1,09,500 रुपये मायनस झाले। नमस्कार, मी पवन दुर्वे, ग्रामपंचायत कोटा सरपंच। याआधी मी भारतीय स्टेट बँक ऑफ खापरखेडा येथे कार्यरत होतो डेली वेजेसमध्ये। आत्ताच रिसेंटली 1,10,000 एटीएममधून फ्रॉड झालेला आहे। तसेच माझ्या कालावधीमध्ये 2 वर्षाच्या त्याच्यामध्ये पण एटीएम फ्रॉड, हात चालाकी तसेच भरपूर केसेस झाले आहे। त्याच्यामध्ये पोलीस प्रशासन बी साथ दिलेला नाही। तसेच बँकेचे जे कर्मचारी आहेत त्याचा स्टाफ कमी आहे भरपूरसा। जशी कोराडीची ब्रांच आहे तितके मोठी, तशी खापरखेडा बँकेत पण ब्रांच हवी अशी लोकांची अपेक्षा आहे। तसेच याच्यामध्ये माझ्या कालावधीमध्ये 2 वर्षाच्या बँक ट्रान्सफर होणार होती, म्हणजे स्थलांतरित होणार होती, पण त्याच्यात काही अडचणीमुळे ते स्थलांतरित झाले नाही। व तसेच खापरखेडा ब्रांच ही छोटी असल्यामुळे तिच्यात त्याच्यामध्ये लोकांची वर्दळ खूप असते। तसेच जे एटीएम चोरी आहे, एटीएम फ्रॉड आहे, त्याच्यामध्ये एटीएमच्या याच्यासाठी स्थानिक लोकांची खूप वर्दळ सुरू असते आणि त्याच्यामध्ये एक 8x8 4-4 मशीन आहेत। इस तरीके से कल वारेगाव भानेगाव के निखाड़े जी का पैसा गया 1,10,000 रुपये। खापरखेड़ा एसबीआई एटीएम में ये पहला घटना नहीं है। जैसे हमको भी जानकारी है कि बहुत सारे लोगों को लोग बेवकूफ़ बना के किसी न किसी तरीके का, उनको जिनको समझता नहीं है सॉफ्टवेयर के बारे में ना इसके बारे में, आपके माध्यम से मैं एकदम अवगत कराना चाहता हूँ। कल इसके बारे में बैंक मैनेजर जरूर बात करेंगे, किसी एटीएम से बार बार ऐसा घटना क्यों हो रहा है। और दूसरा चीज़, इसके ऊपर पुलिस कार्रवाई तो 100% करेंगे, उनका वीडियो फुटेज या कहीं ना कहीं से जो प्रोमिसेस में फुटेज निकाल करके। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जैसा है कि हम लोगों ने भी थोड़ा सतर्कता लेना चाहिए कि अपन किसी को अपना एटीएम कार्ड या पिन कार्ड, आप देखे होंगे फेसबुक पे, अन्य टीवी टेलीविजनों पे हर बैंक भेजती है मैसेज कि बैंक से किसी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप लोग जो बताते हो या शेयर मदद मांगो तो आप बैंक मैनेजर जाके मांगो, बैंक स्टाफ से मांगो, दूसरे लोगों से आप मदद मांगते, जिसका नतीजा रहता है कि आज ये नुकसान जो इतना लोगों का हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके की घटना खापरखेड़ा में दोबारा ना वैसे अपन काट लेंगे, जरूर करेंगे कुछ ना कुछ कार्रवाई इसके ऊपर। कैमरामैन मयूर सुतोने के साथ BCN न्यूज के लिए दिलीप गजपिये और अरुण महाजन की रिपोर्ट।